अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, क्या बोलते भाई, कैसा चल रहे बोर्ड्स, कैसे चल रहे? चल रहे, अभी बोर्ड चालू नहीं हुए बट हो जाएगा। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई क्या बात है, क्या बात है। इधर ही शूटिंग हुई थी। अच्छा, ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग्स। सो आज के वीडियो में देखो भाई, बहुत टाइम बाद हम लोग व्लॉग बना रहे हैं और हमारे साथ हमारा भाई मनीष है। सो मनीष ही ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, इसके भी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। सो भाई अभी टॉपिक पे आते हैं। तो भाई आज हम लोग आए हैं परेल में। परेल में ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सूरज बिल्डिंग और इधर ना हेरा फेरी जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। तो आज हम लोग इस शूटिंग लोकेशन पे आए हैं एंड प्रॉपर मैं आपको टूर दूंगा और जो जो सीन्स इधर क्रिएट हुए ना हेरा फेरी मूवी के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड है ना, मैं तो सोच रहा हूँ यार, इधर एक भाजी वाले भैया है तो वो कुछ सालों से आते हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे एंड जो इधर लोकेलिटी में। और मैं आपको बता दूँ ना, ये प्रॉपर एक सोसाइटी है, ऐसा नहीं है ये एक शूटिंग लोकेशन है, ये सेट है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, मैं जब परेल स्टेशन से उतरा, इसे आप वेस्ट साइड में आओगे ना परेल स्टेशन से, तो आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी। और अगर कोई भी परेल में रहता है तो आइए देखिए। और इधर एक कुत्ता यार वो कर रहा है, तो भाई अभी मेरे को डर लग रहा है, तो चलिए थोड़ा आगे चलिए। और ना भाई मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉपर इधर लोग रहते हैं, ये कोई सेट नहीं है, ये इधर प्रॉपरली एक सोसाइटी है और इधर लोग रहते हैं। एंड इस सोसाइटी का जैसे मैंने आपको नाम बताया, सूरज बिल्डिंग। सो दैट्स इट, चलो चलते हैं, आगे भी बहुत कुछ होगा। एंड प्रॉपरली जो मूवी के इधर सीन्स शूट हुए ना वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड जो मूवी की क्लिप है ना वो भी आपको दिखा दूंगा कि अच्छे से आप समझ जाओ। चलो पर तुम सुन। तो ये देख सकते हो भैया, ये जो सिद्धि वाले भैया है ना, ये इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं। मैं देख रहा हूँ यार, ट्राई कर रहा हूँ इधर जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं ना उनसे बात करूँ। और अभी उधर कुछ बच्चे बैठे उनको पकड़ा, पर वो लोग कुछ इधर नए आए उनको आइडिया नहीं था, इनको ज़रूर आइडिया रहेगा। अंकल जी नमस्कार, और कैसा चल रहा है धंधा विंधा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। चलो ऊपर वाली की कृपा है अंकल आप पे। और अंकल हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, अभी देख सकते हो इधर है ना, फिर हेरा फेरी जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, ठीक है, उसकी शूटिंग हुई थी इधर। तो अभी आप कितने साल से इधर आते हो अंकल? हम लोग आते हैं कम से कम 14-15 साल। 14-15 साल से आप आते हो, तो आपका ये डेली का आना जाना होगा। आपने शूटिंग तो देखी होगी ना अंकल इधर, तो अक्षय कुमार सर को आपने देखा था? नहीं देखे थे। अच्छा, तो ये पूरी जगह बुक हो गई थी क्या इधर? अच्छा, ओके। और ये देख सकते हो यार, और अंकल बताइए, ये जो अपनी सोसाइटी है सूरज बिल्डिंग जो कि परेल में स्थित है, इस सोसाइटी के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? कुछ भी, जैसे कि कैसी है सोसाइटी? है बढ़िया, एकदम बढ़िया है। क्या बात है, चलो अंकल से तो हमारी बात हो गई, अंकल का हमने इंटरव्यू लिया। तो ये अंकल भी ना, अंकल आप कितने बजे से कितने बजे तक आते हो? 8 बजे से 10 बजे तक। तो कोई अंकल को देखता है तो हाय हेलो कर लेना भाई, और बता देना कि वीडियो देखे थे अंकल, वीडियो में आपको देखे थे। दैट्स इट, चलो अभी ऊपर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। एंड वो जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, वो घर में ही है ना, प्रॉपर अक्षय कुमार रहे थे एंड उनका घर वो दिखाया था, तो ऐसा है। और जो भी सीन्स भी है ना मैं आपको बताऊंगा। चलो भाई चलो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी प्यारा कंटेंट हमें मिल गया है। ओके सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो जो हमारे बाबूराव भैया हैं उनका ये वाला जो सीन है ना वो इधर ही शूट हुआ था एंड बीच में ना इन्होंने कुछ ऐसा सेट बना दिया था। और उसके बाद ये जो हमारे जॉनी लीवर सर है इनका ये जो शॉट है ये देख सकते हो, ऊपर जो बालकनी है इधर शूट हुआ था। तो ये मेरा भाई है और भाई ये ही आई थिंक जगह पे वो शूटिंग हुई थी ना। ओके, तो ये जगह पे आप लोग देख सकते हो शूट हुआ था प्रॉपरली। और हमारे जो अक्षय कुमार सर का घर था वो यही था ना, है ना भाई? अच्छा, ये वाला। और कुछ बताओ मनीष भाई जरा, वो वाला जो है उसमें जॉनी लीवर रहते थे, वो सब गन्स वगैरह रहती थी, तो ये घर के बीच में से जो है दीवार तोड़ी काट के बनाया गया था। हाँ, बहुत टाइम हो गया ये घर बन गया, इसके लिए जो है MMRDA ने बंद करके रखा हुआ है, नोटिस लगा के सील कर दिया। क्या बात है यार, पूरा रट के आया है भाई, कितने साल पुरानी ये सोसाइटी, ये आप लोग देख सकते हो। और जैसे कि हमारे मनीष भाई ने इसके बारे में जानकारी दी आपको इस वीडियो में, सो दैट्स इट। एंड मेरे पीछे ही देख सकते हो जब ये प्रॉपरली इधर ही शूट हुआ था, ये सीन आइकॉनिक थी। सो गाइस हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग फिर से चल रहे हैं घर की तरफ, और आज मेरा एग्जाम भी है ना, तो
तो इसके लिए जल्दी निपटा दिए थे हमने वीडियो को और जल्द से जल्द हम लोग निकले, क्योंकि देखो भाई वो भी उधर लोग रहते तो उनको भी अनकम्फर्टेबल फील हो जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा रुके नहीं हम लोग और अभी वही चल रहे हैं बस। ठीक है सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए बिकॉज मेरे आज एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम दे के आएंगे हम लोग, फिर देखते हैं। वैसे पता नहीं कैसे जाने वाला है आज का पेपर और कैसे नहीं, पढ़ा तो हूँ मैंने और अब तक जो भी एग्ज़ाम गए थे सारे एकदम अच्छे गए हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि कहीं अभी एग्ज़ाम होते ही हम लोग कहीं जाए, हैदराबाद हो गया मतलब महाराष्ट्र के बाहर निकले, थोड़ा मुंबई के बाहर निकले। और कैसा है ना, मेरा तो गांव भी महाराष्ट्र में ही है तो मैं बहुत ज़्यादा कम है ना महाराष्ट्र के बाहर जाता हूँ, तो इसके लिए इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अपन वेलकम बैक है भाई अपना अभी यूट्यूब पे 2023 है और ये साल मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो 2021 में जैसा मेरा चैनल था मैं वैसा करूँ और उससे अच्छा करूँ, तो उसके लिए मुझे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मैं भाई तैयार हूँ मेहनत के लिए तो हमेशा। सो दैट्स इट, तो अभी वही सोचो कहीं जाऊँ, थोड़ा निकलूँ, थोड़ा कंटेंट बनाऊँ रेगुलरली और मतलब कंसिस्टेंट हो जाऊँ पहले की तरह, एंड दैट्स इट गाइस। और वैसे अभी एग्ज़ाम है तो भाई अब भी ना एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से पूरा दम लगा देंगे, पूरा दिलो जान लगा देंगे और हमारा पेपर सबमिट करेंगे अच्छे से और ट्राई करेंगे अच्छे मार्क्स के लिए। भाई मेरे को पता है बहुत ज़्यादा पका रहा हूँ, एक मिनट के ऊपर हो गया है, इसके लिए बस इधर ही हम लोग ये व्लॉग एंड करते हैं एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। मैं कैसे व्लॉगर बनूंगा, मैं आया नीचे बट चाबी लिया ही नहीं स्कूटी की, अभी ऊपर वापस जा रहा हूँ, अभी चाबी लूंगा देन कॉलेज आऊंगा। चलो बाय। गाया हमसे नाराज रहना सजा।